साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने चार दशक तक हमारे फौजी परिवारों को वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला, ये कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी से खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने ओआरओपी को रिवाइज भी किया है जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। साथियों, आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से
घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है, कांग्रेस को अच्छा लगता है। उनमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर ये उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। आप देखिए, यही जम्मू में कई कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। उन्हें इस हक से किसने वंचित किया? कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया है। अब भाजपा ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के स्पिरिट का सम्मान करते हुए ये अधिकार अपने इन भाई बहनों को दिया है। पश्चिम पाकिस्तान और पीओके से आए हमारे बहन भाई, हमारे गोरखा साथी, हमारे वाल्मीकि परिवार, देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अनेक पीढ़ियों से इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर मजबूरन जीने के लिए छोड़ दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों के इस पाप को क्या कभी भी भुलाया जा सकता है? साथियों, भारत के संविधान ने लोकल बॉडीज की व्यवस्था बनाई है, लेकिन संविधान के इन दुश्मनों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के चुनावों को भी रोक रखा था। संविधान के तहत शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के कमजोर तबकों को ये हक नहीं दिया। भाजपा सरकार ने ही संविधान में दर्ज ये हक दिए हैं। आज देखिए, जम्मू रीजन की 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। इसे गुजर, बकरवाल, पहाड़ी समुदाय, ऐसे हमारे अनेक समाजों को पॉलिटिक्स